नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ बाइक बोट कंपनी के बारे में। और साथियों, जिस तरीके से कि मैंने आपसे वादा किया था कि 19 तारीख को जो दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन होने वाला है ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का, उसकी पूरी की पूरी लोकेशन की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो साथियों, जो भी लोग इस समय दिल्ली में पहुंच चुके हैं, एनसीआर में पहुंच चुके हैं, मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर चार जगहों पर धरना प्रदर्शन की तैयारी की गई है। जो सबसे पहली जगह है वो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो दूसरी जगह है वो है आईटीओ, और जो तीसरी जगह है वो है मालवीय स्मृति भवन, और चौथी जगह है वो है पटेल चौक। इन चार जगहों पर धरना प्रदर्शन की पूरी तैयारी की गई है। और मैं आप सभी लोगों को एक आगाह करना चाहता हूं कि ये जो धरना प्रदर्शन है, इसमें एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, और हमें कानून को किसी भी कीमत पे हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो किसी प्रकार की तोड़फोड़ ना करें, और जो भी भाषण होगा, जो भी स्पीचेस होंगी, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लेकिन किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में ना लें। देखिए, जब आप अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हमें हमारे देश के नियम कानून का भी पूरा ध्यान रखना होता है। और दूसरी बात साथियों, जिस तरीके से कि सबसे पहले मैं यानी राजेश मिश्रा ने मातृभूमि टीवी के माध्यम से बाइक बोट कंपनी का पूरा पर्दाफाश किया था कि किस तरीके से कंपनी साल भर में 30,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला करके संजय सिंह भाटी अपने ऑफिस में आग लगा करके रफू चक्कर हो गए, और मातृभूमि टीवी के काफ़ी दबाव की वजह से उनको गौतम बुद्ध नगर के सीजीएम कोर्ट में खुद को सरेंडर करना पड़ा। और मैं सल्यूट करना चाहता हूँ बाइक बोट कैंपस के अंदर जिन लोगों ने लगातार 80 दिन तक भूख हड़ताल की और धरना प्रदर्शन किया, और साथ ही साथ कोटगाम कैंपस में लोग बैठे रहे, और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का जो आज एक बड़े धरना प्रदर्शन का उन्होंने आगाज़ किया है। तो आप सभी लोगों की हौसला अफजाई के लिए मुझे आज दिल्ली पहुंचना था, लेकिन मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूं कि आज मैं दिल्ली नहीं पहुंच सका, क्योंकि बॉम्बे में एक कंपनी के केस को मुझे हाई कोर्ट में के लिए मुझे पहुंचना था, और इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग के अगले प्रोग्राम में मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, मुझे तमाम कई कंपनीज के केसेस को फॉलोअप करना पड़ता है। इसके लिए बाइक बोट कंपनी ऑल इंडिया बाइक बोट कंपनी के यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आज वहां पर नहीं पहुंच सका हूं, वरना आज मेरी एक ज़बरदस्त स्पीच आपके मंच पर होने वाली थी। लेकिन बाइक बोट टैक्सी के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी लोग मुझे इस समय जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, पूरे भारतवर्ष से मुझे इस समय देख पा रहे हैं, मैं पूरे दिन भर की जो खबर होगी दिल्ली से, चाहे वो पटेल चौक की हो, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हो, चाहे वो मालवीय स्मृति भवन की हो, या वो आईटीओ की हो, पल पल की खबर आपको मातृभूमि टीवी पर हमेशा मिलती रहेगी। मेरे सारे जो सहकर्मी हैं वो चारों जगह पर मौजूद हैं, और मातृभूमि टीवी का पूरा समर्थन ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को हासिल है। और मैं चाहता हूं कि हक की आवाज़ उठनी चाहिए, और संजय सिंह भाटी, जिनको भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, सारे की सारी पार्टियों के मेहमान बन के जो बैठे हुए हैं, इनको किसी भी कीमत पर, इनको जो समर्थन हासिल है, इनको पैसा किसी भी कीमत पर देना पड़ेगा, क्योंकि एक साल के अंदर 30,000 करोड़ का जो इतना बड़ा घोटाला संजय सिंह भाटी ने किया है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और
सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि संजय सिंह भाटी ने एक रुपए का भी एसेट जमीन पर नहीं बनाया है, सारे के सारे पैसे को हजम कर गए। तो संजय सिंह भाटी किसी भी कीमत पर ये पैसा हजम नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि बाइकबोट, और सबसे बड़ी बात है कि जब भी बाइकबोट टैक्सी का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं उनके सामने भी ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि जब आज बाइकबोट टैक्सी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जब वो रोड पर खड़े होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो नितिन गडकरी साहब आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको सामने आकर के बाइकबोट टैक्सी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका साथ आपको देना चाहिए। 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके संजय सिंह भाटी पहले अंडरग्राउंड होकर के 3 महीने लगातार यहाँ वहाँ जाकर छुप के बैठे हुए थे, और अभी जब वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल के अंदर हैं तो लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? इनके खिलाफ फास्ट ट्रैक में केस चलना चाहिए और 30,000 करोड़ रुपए बाइकबोट टैक्सी के कस्टमरों को मिलना चाहिए। ये राजेश मिश्रा का मातृभूमि टीवी के माध्यम से ये मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ। आज मैं दिल्ली में मौजूद नहीं हूँ क्योंकि मुझे केस की कवरेज के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचना था, लेकिन मातृभूमि टीवी के माध्यम से मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि नितिन गडकरी साहब आप इस समय कहाँ पे हैं? आप बाइकबोट टैक्सी के इन्वेस्टरों के लिए, उनके लिए क्या किया जा सकता है वो करके बताइए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने मैं सवाल उठा रहा हूँ कि आज बाइकबोट टैक्सी के अंदर मेजर जनरल, बड़े बड़े सेना के बड़े के जवान, रिटायर्ड जवान लोगों को पैसा जमा है और गरीब किसानों का पैसा कंपनी के अंदर जमा है। किस तरीके से आपने एक साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके संजय सिंह भाटी फरार हो गए? सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल होता रहा और एक साल के अंदर ऐसा काम हुआ है, तो सरकार आज अपनी जिम्मेदारी निभाए। और मनोज तिवारी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप वहां पर पहुंच करके लोगों को आप ये आश्वासन दीजिए, और साथ ही साथ जो साहब सिंह वर्मा साहब के लड़के परवेश वर्मा हैं जो सांसद हैं, और लोकल आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, वहां पर पहुंच करके आप लोगों का समर्थन कीजिए, लोगों को आश्वासन दीजिए कि संजय सिंह भाटी का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए आप लोग पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मातृभूमि टीवी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, और मैंने पीछे भी आप सभी लोगों को से बात की थी और आप लोगों को कहा था कि आप लोग बाइकबोट टैक्सी, हेलो टैक्सी और गो बाई के तमाम जगह इस तरह ही इतना बड़ा सारा काम होता रहा, लेकिन आप लोगों का समर्थन लोगों को नहीं मिला। और आज जब लाखों लोग इस समय सड़क पर उतरे हुए हैं तो आप लोग कहाँ पर बैठे हैं? आप लोग सभी लोगों का समर्थन कीजिए, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि बाइकबोट टैक्सी, गो बाइक, हेलो टैक्सी, ये जितने भी बाइकबोट कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके पूरी तरीके से खड़ा हूँ। और संजय सिंह भाटी को किसी भी कीमत पर इसकी सजा भुगतनी होगी और कानून उसको उनकी सजा देगा। और आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग आज जो धरना प्रदर्शन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ITO, मालवीय स्मृति भवन और पटेल चौक में कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ ना करें, किसी भी प्रकार का ऐसा काम ना करें जो गैरकानूनी हो। आप लोग वहां पर अपनी आवाज़ उठाइए, एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि हमें देश के कानून की पूरी इज्जत करनी चाहिए। और संजय सिंह भाटी ने 30,000 करोड़ रुपए का जो घपला घोटाला किया है वो किसी भी कीमत पर ये पैसा सारे लोगों को मिलना चाहिए।
आज संजय सिंह पार्टी का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि संजय सिंह पार्टी ने 1 रुपए का एसेट, 1 नए पैसे का एसेट नहीं बनाया। पूरे के पूरे पैसे कहाँ गायब कर दिए इसका पता नहीं चल रहा है। और सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच पड़ताल करके सब कुछ सामने लाए। तो दोस्तों, बाइक बोट टैक्सी का जो इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी पल पल की जानकारी पूरे शाम तक मातृभूमि टीवी पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। और मैं अपने सभी रिपोर्टर्स को कहना चाहता हूँ कि आप लोग पल पल की खबर दीजिए, और मैं आप लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को मेरा मोबाइल नंबर 9619253877, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मुझे फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आप लोगों का, क्योंकि इतने सारे फ़ोन मैं रिसीव नहीं कर सकता हूँ, और जिन लोगों का मैं फ़ोन रिसीव ना करूँ आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं उन सभी लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जो इस समय वहाँ पर मौजूद है, उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। जिन लोगों को जगह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं आप सभी लोगों को इसकी पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर एक बार फिर से नोट करिए, 9619253877। और मैं दिल्ली में ना रहते हुए भी आप लोगों के बीच में पूरे दमखम के साथ मैं मौजूद हूँ। आप लोग मेरी उपस्थिति का एहसास करिए। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से ही लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। जय हिंद।